जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि यह साल बॉलीवुड के लिए काफी बुरा चल रहा है। इस इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी के अचानक हुए निधन के एक के बाद एक बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। श्रीदेवी से पहले टीवी सीरियल इश्कबाज के प्रोड्यूसर एक्ट्रेस नरगिस रबाड़ी और सूफी गायक प्यारे लाल वडाली का निधन हो चुका है। ऐसे में ये मौतें बॉलीवुड के लिए ना भूलने वाला समय बन चुकी हैं। इस बात में कोई दो यह है कि हम सभी इंसानों ने एक ना एक दिन मरना जरूर होता है। ऐसे में जब भी मौत आती है तो किसी की उम्र और अमीरी गरीबी नहीं देखती। पिछले काफी समय से बॉलीवुड और हॉलीवुड में नाम कमाने वाले इरफान खान को लेकर बुरी खबरें हमारे सामने आ रही हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे इरफान खान को लेकर अब डॉक्टर्स ने भी खतरा जता दिया है। दरअसल इरफान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसे पढ़कर हर कोई डर गया है। इस पोस्ट में इरफान ने अपने फैंस को अपनी गंभीर बीमारी के बारे में बताया है। अभी कुछ दिन पहले ही इरफान खान की फिल्म ब्लैकमेल रिलीज हो चुकी है, जिसको दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। हमेशा की तरह अपनी जबरदस्त एक्टिंग से इस फिल्म से भी इरफान ने लोगों का दिल जीत लिया है। हाल ही में इरफान खान ने फेसबुक पर पोस्ट द्वारा बताया कि वह गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उससे लड़ रहे हैं। इरफान की बीमारी के बारे में इससे पहले भी मशहूर फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज बता मीडिया को चुके हैं, लेकिन इंसान की दिनों दिन बिगड़ रही तबीयत को देखते हुए विशाल भारद्वाज ने दीपिका पादुकोण इरफान खान स्टारर अपनी फिल्म की शूटिंग को बीच में ही रोक दिया है। विशाल ने यह फैसला इरफान खान की बीमारी को मद्देनजर रखते हुए लिया है। अपनी एक ट्वीट के जरिए इरफान खान ने अपने फैंस को अपनी गंभीर बीमारी के बारे में बताया और उनसे अपने लिए दुआ मांगने की अपील की। इरफान ने अपनी इस पोस्ट में लिखा कि पिछले 15 दिनों से मेरी जिंदगी एक सस्पेंस स्टोरी की तरह चल रही है। असली स्टोरीज की तलाश करते करते मुझे रेयर बीमारी हो गई है। हालांकि पहले बीमारी के बारे में पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी मिल चुकी है। इरफान की लगातार बिगड़ रही हालत को देख कर की बड़े बड़े डॉक्टर्स भी सोच में पड़ चुके हैं। एक मशहूर फिल्म पत्रकार उमायर संधू ने ट्विटर पर एक ट्वीट के जरिए दुनिया को दरअसल संधू के मुताबिक इरफान खान की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। वहीं डॉक्टर्स के अनुसार इरफान अब एक महीने तक ही जिंदा हैं। संधू की इस बताया कि इरफान खान इन दिनों कैंसर के अंतिम चरण से लड़ रहे हैं। ट्वीट के बाद से ही पूरा बॉलीवुड हैरान है और इरफान के लिए प्रार्थनाएं कर रहा है। आपको हम बता दें कि इससे पहले भी इरफान की बीमारी को लेकर मीडिया में खलबली मची थी। सूत्रों की माने तो पहले उन्हें जॉन्डिस का खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में अब संधू की ट्वीट देखकर सभी हैरान हैं। इरफान कुछ दिन पहले ही एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपनी शर्तों पर जिया। आज भी मैं अपनी इस बीमारी से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कृपया मेरे लिए दुआ करें।